और सिर्फ थर्ड एम्पायर रिव्यू देखता है, उसके बाद दिखाता है। एक और भाई कमाल और मोहित उर्फ बरनाली भाई कैप्टन है मोहिनी अथवाड़ा के और टॉस जीता है आसरा एकेडमी ने। और भाई भाई एक तरफ आसरा एकेडमी तो दूसरी तरफ भाई मोहिनी अथवाड़ा मोहित 12 नंबर जर्सी में भाई 12 मिनट पहले हॉकी किसके पक्ष में रहने वाली है ये बताएंगी भाई आने वाला समय। मोहित और बंगाली मोहिनी अथवाड़ा का बेहतरीन ये खिलाड़ी है भाई क्या बेहतरीन ये प्रयास है ऑफिसर का मल्टी पॉइंट रन भाई शुभम 3 नंबर जर्सी में आश्रा एकेडमी का एक खिलाड़ी एक तरफ से लेफ्ट हैंडर तो दूसरी तरफ से भाई राइट हैंडर दोनों शिरकत करते हुए क्या शुभम मोहित का जवाब दे पाएंगे भाई भाई बेहतरीन प्रयास इस समय भाई लाइनमैन थोड़ा ध्यान दें दोनों टीमों के लाइन में भाई इधर लाइन में कौन है मंजीत 3-0 स्कोर चाहे मल्टीपेंट राइट की बात करें या बैकफुट की बात करें मंजीत भाई बेहतरीन स्टार खिलाड़ी और युवा कबड्डी सीरीज खेल कर आया है चेतन 4 के डिफेंस में मोहित को कामयाबी जरूर मिली थी कि अच्छा दिन कामयाब होगा चेतन साहू भाई जंप जरूर लगाई है लेकिन मंजीत का उससे भी बेहतरीन प्रयास और कमाल गणेश 3-1 स्कोर मंजीत ऑलराउंडर खिलाड़ी शाकिल नंबर जर्सी के साथ 6 के डिफेंस में बड़ा शौक और सामने भाई बहुत मजबूत एक कमर साहिल मलिक दोनों की कटकाटी एक जैसी है बिल्कुल एक ऑलराउंडर तो दूसरा भाई डिफेंडर लेकिन भाई छकाता हुआ ये डिफेंडर को बाजी मारी मंजीत ने 3-2 साहिल कुम्हार जाना होगा और मोहित इस समय रेड में जो टीम जीतेगी अटेम्प्ट जरूर किया है बॉनस का और भाई फाइनल खेलेगी मंजीत फिर से वही गेम 5 के डिफरेंस में इस बार 2-3 का स्कोर है और स्कोर कर दिया भाई बराबर ऑलराउंडर खिलाड़ी है और ऑलराउंडर प्रदर्शन एक डिफेंस 2 रेंडर स्कोर बराबर राहुल जर्सी नंबर 9 में अन्य की औरंगाबाद कबड्डी टूर्नामेंट का ये ऐतिहासिक विशाल कबड्डी प्रतियोगिता का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला चलता हुआ भाई टच का दावा किया है लेकिन नहीं भाई बाद में मत रखे ना भाई 3-3 स्कोर बराबर है मंजीत 4 के डिफेंस में पहले लगातार 3 पॉइंट अर्जित किए मोहिनी अथवाड़ा ने उसके बाद 3 पॉइंट लगातार डू और डाई रन थर्ड रन थर्ड रन मोहित डैशन ने का प्रयास
और एक और पॉइंट मिलता हुआ। मनजीत 3-4 शोर भाई, हालांकि रिव्यू का जो सिस्टम होता है वो सिर्फ थर्ड एम्पायर रिव्यू देखता है, उसके बाद दिखाता है। एक और भाई कमाल का टैकल देखने को मिला है और इस समय फिर से लीड में आती हुई 2 पॉइंट की लीड मोहन के पक्ष में 3-5 का स्कोर है। चिंतन बेहतरीन कैच लगाई थी मनजीत को और 5 के डिफेंस में वही डुमकी लगाने का प्रयास है उनका। पाल का एक और जबरदस्त टैकल देखने को मिला है शुभम 5 के डिफेंस में और 5 में से भाई जो 4 डिफेंडर है बहुत मजबूत डिफेंडर इस समय बोर्ड के अंदर। शुभम लगातार शिरकत करता हुआ टीम के लिए। राहुल 4-5 अंतर भाई अभी भी 1 पॉइंट का है और इस समय लीड में मोहिनी अथवा टीम बेहतरीन के लगाने का प्रयास लेकिन क्या बेहतरीन ही बचा है भाई। बोनस मिलता हुआ भाई बंदर भाई जो क्लियर है वो आपको मिलेगा। आप ही जानते हो जो बोनस के मापदंड है, एक पैर हवा में होना चाहिए, दूसरा पैर बोनस लाइन क्रॉस होना चाहिए और बोनस कटा हुआ नहीं होना चाहिए। रेड कर दी 1-2-3 या 4 भाई पीछे हो जाओ। बड़ी रेड है कितने पॉइंट है दावा किया गया भाई। भाई 4 पॉइंट की रेड कर दी मात्र कॉर्नर बचा हुआ था 10 इमरजेंसी में। बिल्कुल भाई जो रिव्यू लिया गया था उसे फिर से बचा लिया है भाई 6-8 का स्कोर 2 पॉइंट की लीड में समय आश्रा अकेडमी। भाई एक और बेहतरीन सिंगल बोनस मिला है और ऑल आउट मिलता हुआ लीड आ गई इस समय आश्रा अकेडमी के पक्ष में। बड़ी रेड की थी एक ही रेड में आधी से ज्यादा टीम को तरसाई कर दिया था। साइड की लगाने का प्रयास शुभम का 3 इमरजेंसी में भाई लंबा रनिंग हैंड टच सब जो तीर है तरकश में उनको छोड़ता हुआ शुभम। हर कबड्डी की जो भाई डायरी की जितने भी मंत्र है वो फूंक दिए हैं इस रन में लेकिन पॉइंट नहीं मिला। एक लंबा प्रयास है लेकिन भाई टाई जरूर लगाई थी कामयाबी मिलता हुई चेतन को। मनजीत 7 इमरजेंसी में 7 के डिफेंस में फुल स्ट्राइक बोनस ऑन और भाई इन चहल कल भी बचाता है कमाल का खिलाड़ी है इस समय। बोनस का प्रयास साहिल क्या ये बड़ी रेड है कितने पॉइंट या रेड राउंड ऑफिसर करने आने दे भाई ऑफिसर करने आने दे भाई। चिंतन स्कोर 9 मारे 5 के डिफेंस में 9 मारा स्कोर 5 के डिफेंस में। चिंतन कभी रैंक से तो कभी रैंक से प्रयास करता हुआ एक रन अमान भाई जर्सी नंबर 10 में बेहतरीन प्रदर्शन करता हुआ खिलाड़ी भाई। लाइनमैन थोड़ा सही से कर रहे हैं भाई 10-12 शॉट भाई लाइनमैन मुस्तैद रहे और लाइन टच को आउट ना दे लाइन क्रॉस हो पूरी जब आउट दे ओए ना ना
बटर सेवन पॉइंट मिला है, दस दे रहे पांच के डिफेंस में चिंतन और बिल्कुल एक और बिल्कुल दोनों तरफ से एक ही सेकंड से इंजरी को बुलाया भाई अच्छा बात है भाई अमन बॉक्स का प्रयास अटेम्प्ट जरूर लिया है एक ऑफिशियल गन ने क्या आता है बजाओ लेकिन नहीं भाई चार के डिफेंस में चेतन बहुत जल्दी रेड की है प्रशूट का प्रयास था लेकिन क्या पॉइंट मिलेगा सब कुछ सही इस समय दोनों टीमों के लिए राजन सामने से आए टाई होल्डर खेलने को मिला और बेहतरीन सपोर्ट आया शुभम 11-14 अंतर भाई ज्यादा बड़ा नहीं है एक दो पॉइंट के आसपास ही झूल रहा है मुकाबला शुरू से स्कॉर्पियन के लगाने का प्रयास कमाल का प्रदर्शन दोनों टीमों का अभी तक जबरदस्त मुकाबला नहीं खेल पाया सेकंड सेमीफाइनल मुकाबला राहुल पांच के डिफेंस में अमान चेन्नई कराए सामने से सात में शुभम कमाल का एक और टैकल धीरे धीरे अंतर बढ़ता हुआ डू और डाई में पांच के डिफेंस में मंजीत दोनों टीमें अभी भी ज्यादा बड़ा अंतर नहीं कह सकते यहां पर से कौन खेलेगी रोहतक के साथ फाइनल मुकाबला किसके पक्ष में जाएगा ये गेम साहिल साहिल को दो बार निशाना बनाया भाई मंजीत ने इस मुकाबले में लगातार साबित करके दिखाया था और 11-16 लीड धीरे धीरे बढ़ती हुई चार खिलाड़ी अभी भी कोर्ट में है मोहनियत वाला गेम और एक बहुत बेहतरीन डिफेंस सामने इस समय शिरकत करता हुआ आसान करेगा बॉलर्स का प्रयास जरूर किया है भाई टीमें आर्गुमेंट ना करे नहीं है ओ भाई चार डिफेंस भाई जो क्लियर है वो ही दिया जाएगा ऐसी कोई दिक्कत नहीं है भाई सरकारी अस्पताल का पर्चा थोड़ी बट रहा है 1 रुपए में सबको दे दिया जाएगा भाई फर्स्ट हाफ की कहानी की बात करें तो लगभग आसपास घूमता हो मुकाबला बिल्कुल पूरी तरह से ऊपर मुकाबला है मोहित और बंगाली 12 नंबर जर्सी में किक लगाने का प्रयास है भाई की कमाल की किक लगाई है मोहित ने अंतर भाई 4 पॉइंट का है मनजीत एक बार फिर पास के डिफेंस में भाई बहुत बेहतरीन प्रदर्शन दोनों टीमों की तरफ से बहुत जबरदस्त संघर्ष एक तरफ भाई रोहतक फाइनल में पहुंच चुकी है चिंतन साहू इस समय रन में 12-16 शुभम पर अटेम्प्ट लंबी रीच खोलने का प्रयास और भाई एक और बेहतरीन ये प्रयास है अगर पैर निकला भाई बड़ी रेड होगी लेकिन नहीं भाई थर्ड रेड टू अडाई रेड मंजी चार के डिफेंस है और भाई ये निर्णायक रेड साबित हो सकती है फर्स्ट हाफ की क्योंकि चार खिलाड़ी कोर्ट में है अगर यहां से पॉइंट मिला तो मुसीबतें बढ़ेंगी मोहनियत वाला टीम की और टैकल हुआ तो फिर वही गेम आ जाएगा जहां पहले गेम था मोहित भाई एक और बेहतरीन प्रयास और कामयाबी मिलती हुई पांच नंबर जर्सी में एक खिलाड़ी अक्सर आपको डिफेंस में देखने को मिलता है इस समय में मुसीबत पड़ रही है क्योंकि जो अंतर है धीरे धीरे बढ़ता हो
तीन खिलाड़ी कोर्ट में और मनजीत है समय जबरदस्त प्रदर्शन बेहतरीन दोनों टीम भाई कमाल का प्रदर्शन मोकल मोकाबला पूरी तरह से ऊपर अभी भी इनकोर एम्पीडेंट फिर से वही गेम समय काटने का प्रयास है बंग भाई मध्यांतर भाई तीन खिलाड़ी कोर्ट में है मुसीबतें बढ़ रही है हाफ टाइम के स्कोर की अगर बात आश्रय एकेडमी 6 पॉइंट की लीड में फर्स्ट हाफ में मनजीत भाई सेकंड हाफ की पहली रन तीन के डिफेंस में सुपर टेकर वन 12-18 का स्कोर फर्स्ट हाफ में और भाई मनजीत भाई ये बेहतरीन प्रयास है पीछे हो जाओ भाई पीछे हो जाओ भाई हम पीछे कर ले तो आने दो भाई मल्टी पॉइंट रेड अभी तो भाई 20-12 स्कोर लास्ट खिलाड़ी कोर्ट में ओवर मैन स्टैंडिंग कोर्ट और मोहनियत वाला भाई बोनस को ओपन कर दिया है पूरी तरह से कि आप बोनस ले लीजिए बाकी हमें करने दीजिए भाई सेंटर लाइन में ऑफिसर का एंड भाई छोटा मुकाबला है 12-2 का ये मुकाबला है किससे पक्ष में जाएगा मुकाबला एक और चिंतन भाई सामने से जाओ बहुत जबरदस्त है गेम चिंतन भाई संघर्ष करता हुआ पूरी तरह से मुकाबले एक और एम्पीडेंट शुभ समय काटने का प्रयास है क्योंकि जानते हैं भाई लीड पड़ी है इस समय और मुकाबले का जो समय है वो भी ज्यादा नहीं है समय के हिसाब से छोटा मुकाबला लेकिन टीमों के हिसाब से भाई दोनों के लिए बहुत बड़ा मुकाबला है संघर्षपूर्ण मुकाबला है एक और भाई जबरदस्त हैंड टच और पॉइंट मिलता हुआ 5 रैंकर भी को राहुल 7 के डिफेंस में बहुत जबरदस्त संघर्ष भाई रेफरी का टैच जरूर लगाया है कपाल का एक और पॉइंट राहुल को मिलता हूं 14-24 मंजी लगातार भाई चिंतन सेकंड फेज में बॉल स्वान और भाई कपाल का एक और जबरदस्त हैंड टच मंजीत भाई समय काटता हुआ खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन दोनों टीमों का एक और पीरियड फास्ट एडवांस में चिंतन चिंतन एक तरफ से तो दूसरी तरफ से मंजीत भाई मंजीत को साथ मिला है मोहित का लेकिन चिंतन अमान पॉइंट मिलता हुआ चिंतन ने खलबली मचा दी है
वही मुकाबला एक बार फिर टू और नाइन राइट अमन आठ सेकंड की तरफ से आठ नंबर जर्सी में टू और नाइन राइट में और भाई दोनों टीम में चौदह और भाई साहिल सामने से आए और भाई अमान जब जब जरूरत पड़ी है अमन को तब तब टीम को भाई निकाला है मजदार से चेतन भाई क्या जो लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है वो प्रदर्शन नहीं जाएगा कहीं खिलाड़ी शिवम सामने से आए भाई क्या बेहतरीन ये प्रयास है संघर्ष जारी है दोनों टीमों लेकिन अगर भाई चेतन का यहां से हाथ निकलता या पैर निकलता तो ये रेड पूरी तरह से वापसी और टॉनिक का काम करती इस मुकाबले में 16-26 स्कोर 10 पॉइंट का फिर से अंतर मोहित या चेतन इस मुकाबले में क्या वापसी कराएंगे फिर से टीम की बेहतरीन प्रदर्शन जबरदस्त गेम दोनों टीमों का टाइम बता बेटा अभी तो बहुत है लास्ट पांच में बता दूंगा लास्ट पांच राहुल बोनस का प्रयास लगातार किया है सेकंड इनिंग्स में लेकिन ये चालाकी भरी रेड साबित हुई भाई 17-26 9 पॉइंट का अंतर है मंजीत समय काटते हुए पूरी तरह से बता दूंगा भाई बता दूंगा समय काटते हुए एक और एम्प्टी रेड मोहित पास के डिफेंस में बोनस मिलेगा नहीं भाई मेहनत करनी होगी अरे बिल्कुल जबरदस्त से लिफ्ट लगाई हिराजन को कमाल का इंडोनेश अमन डू डायरेक्ट भाई मुसीबत बढ़ती हुई वापसी का बिल्कुल मचा दिया है एक बार फिर से भाई बोनस का प्रयास जरूर किया है भाई समय काटते हुए पूरी तरह से फुल तरह से कॉन्फिडेंस लग रहे हैं और बोनस मिलता हूं चेतन एक साथ लेकर का प्रयास सभी को भाई करीब एक और बेहतरीन प्रयास चेतन का कामयाब प्रयास फिर पॉइंट मिलता हुआ 19-27 अंतर भाई 8 पॉइंट का लास्ट टाइम आउट दिया है भाई लास्ट 5 मिनट का समय शेष अंतर अभी भी 8 पॉइंट का है सुपर टैकल चेतन भाई ये सुपर टैकल अगर हुआ भाई कमाल का एक और 27 स्कोर भाई दो खिलाड़ी कोर्ट में है अगर ऑल आउट मिला तो अंतर बढ़ जाएगा मंजीत लगातार भाई प्रयास जारी बोनस का प्रयास किया है भाई चिंता एक बार फिर दो गेट फेस में और दोनों को एक साथ लेने का प्रयास मंजीत शॉट नंबर 27-24 पर भाई बहुत चतुर खिलाड़ी है साहिल को अगर किसी ने मार दी है इस टूर्नामेंट में तो ये वो खिलाड़ी इस समय रेड में है राहुल बोनस का प्रयास और भाई बोनस मिलता हुआ भाई धीरे धीरे जो लीड है उसे कमर करती हुई मोहनी अथवाड़ा की टीम कोई ना कोई तोड़ ढूंढना पड़ेगा लास्ट 3 मिनट का समय शेष इस मुकाबले में बोनस का प्रयास दोनों तरफ से लगातार संघर्ष जारी भाई साइड की थे कमाल की पॉइंट मिलता हुआ लीड फिर से आश्रय एकेडमी बरकरार रखती हुई बैक होल्ड करने का प्रयास था अमन का
एक और पॉइंट 26-28 सर, 26-28 26-28 दो लास्ट 2 मिनट में बता दो मंजीत, लास्ट 2 मिनट में बता दूं भाई, 3 तो बोल दी 26-28 स्कोर है, 2 पॉइंट की अभी लीड है, 2 मिनट का समय शेष। एक और एंट्री रेट चिंतन 2 मिनट बोल दी भाई, 2 मिनट का समय बन चुका है और धीरे धीरे जो अंतर है वो कम हो रहा है। चिंता इस सम्मेलन में और भाई ये बिल्कुल अंतिम क्षण चल रहे हैं, निर्णायक क्षण चल रहे हैं इस मुकाबले के। एक और भाई राजन भट्ट का पॉइंट मिलता हुआ, एक और समय काटते हुए शुभम, लेकिन भाई चेतन और मोहित उस शैली के रेडर हैं जो मुकाबले को भाई पलटने में लास्ट 1 मिनट टू प्ले सक्षम है। लास्ट 1 मिनट का अनाउंस हो चुका है भाई, भाई टाइम आउट दिया है। चेतन 5 के डिफेंस में भाई ये रेंडेंट आज साबित हो सकती है ऐसे मुकाबले की, और भाई स्कोर हो गया है बराबर, स्कोर लेवल अमन 6 मॉनस ओवर अमन, स्कोर बराबर, स्कोर लेवल है भाई, और ये खिलाड़ी भाई बहुत जबरदस्त है, मुकाबले को भाई पलटने में अहम योगदान था इस खिलाड़ी का, लेकिन भाई कमाल किए रहे के तौर पर बेहतरीन ये कैच है, बल्कि जबरदस्त बन था योग सुपर टैकल वन, 1 पॉइंट की सुपर टैकल, और भाई आप कह सकते हैं ये मुकाबला भाई आसरा एकेडमी ने छोड़ दिया है, और मोहिनी अंतवाड़ा फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम रोहतक वर्सेस भाई तैयार रहे दोनों टीमें, 10 मिनट का समय, लास्ट 10 मिनट आपके लिए, दोनों टीमें तैयार होकर आ जाए। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।